नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आया हूं भारत की सबसे पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में। आप सभी को पता, चित्रकूट धाम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और यहां के घने जंगलों में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष में से 11.5 वर्ष का जो समय है दोस्तों, यहीं पर घने जंगलों पर बिताया था। दोस्तों चलिए चलते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं चित्रकूट धाम के घने जंगल, क्योंकि चित्रकूट के घने जंगलों में भगवान श्री राम ने विजिट किया था दोस्तों, इसलिए चित्रकूट के घने जंगलों का कण कण यहां पर पवित्र है। इसलिए आपको इस ब्लॉग के माध्यम से चित्रकूट का घना जंगल दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, तो आप बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं कितनी हरियाली है चित्रकूट के घने जंगलों में, तो बारिश हो चुकी है दोस्तों, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। देख सकते हैं वीडियो में काफ़ी घना जंगल है। इसी घने जंगलों में भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष बिताया था दोस्तों। यहाँ पर अगर कहा जाए तो चित्रकूट के घने जंगलों में आप देख सकते हैं, चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है जो काफ़ी घना है और घने जंगलों से घिरा हुआ पर्वत है दोस्तों। और यहाँ पर गुप्त गोदावरी है और सती अनुसुईया है, स्फटिक शिला है, जानकी कुंड है और रामघाट है। ये दोस्तों विभिन्न स्थान जो हैं, अति सुंदर स्थान है दोस्तों। और यहाँ पर घने जंगलों का चारों तरफ से काफ़ी बड़ा क्षेत्र घिरा हुआ है। दोस्तों मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से भगवान श्री राम की नगरी चित्रकूट धाम की घने जंगल मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया। दोस्तों चित्रकूट के घने जंगल का ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।